रायपुर कलचुलियान में हुई पब्लिक ऑडिट जनसुनवाई, बड़ी संख्या में ग्रामीण हुए उपस्थित, गिनाई अपनी अपनी समस्याएं। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद त्रिवेदी की उपस्थिति में व सोशल ऑडिट जनसुनवाई का कार्य बेवहरा ग्राम पंचायत में परिलक्षित हुआ। लाखों का भ्रष्टाचार, ग्रामीणों ने की जांच की मांग। रीवा की ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोई भी एक ग्राम पंचायत उठाएं और 827 ग्राम पंचायतों में जहां भी जाएं वहीं भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। शासन के द्वारा जनता के टैक्स के पैसे से जनता के विकास के लिए, ग्राम के विकास के लिए दी जाने वाली राशि का किस प्रकार बंदर बांट किया जा रहा है, यह बात ग्राम पंचायतों में आकर ही पता चलती है। चाहे PCC सड़क हो या नाली निर्माण शौचालय हो या PM आवास ग्रेवल सड़क हो अथवा कोई बिल्डिंग निर्माण, सभी में व्यापक अनियमितता देखने को मिलती है। मनरेगा के कार्यों की तो ये हालात है कि सारा काम JCB और मशीन से किया जाता है और फर्जी और मृतक मजदूरों के नाम पर मस्टरोल जारी कर पैसे का आहरण कर लिया जाता है। ऐसे कार्यों में दलाली प्रथा हावी रहती है, जिसमें कुछ सरपंच और उसके दलाल कुछ गिने चुने अपने फेवर के मजदूरों से मिलकर उन्हीं के खाते में पैसा भेज करते रहते हैं, जबकि मौके पर कोई भी मजदूर कहीं कोई काम नहीं करता है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। विष्णु प्रजापत, कब इसकी राशि निकाली गई है? अब जो साल दो साल पहले निकाली गई है, अब उसमें तो हम रिकॉर्ड पूरा देखे नहीं है। नाला से क्रॉसिंग होकर हम लोग गुजरते हैं, इसलिए हमको सब प्रशासन से मांग है कि हमारे आवागमन का ये नाला बनाया जाए विधिवत, है ना, और हमारे लोगों का मानो नाला बनाया जाए कि रपटा बनाया जाए, पुल है, है ना, ढंग से बनाई जाए, है ना, जो कि हमारे लोगों का आवागमन मानो रुकावट ना हो। हम लोग स्कूल जाते हैं तो ये नाला पर के आते हैं, बहुत गंदा लगता है, मेरे बहुत से दोस्त भी नहीं जा पाते, महीना में एक बार हम लोग जाते हैं स्कूल। क्या नाम लिखते हैं आप? दीपक कुटेल। किस क्लास में पढ़ते हैं? पांचवी। बहुत अच्छे। ब्यौहरा पंचायत है, रायपुर करचुलियान ब्लॉक में आती है, ये मेन माइनर नहर है, नहर के पास में खड़े हैं। सुकुलगांव से पड़रिया झांझर और गोरे गांव बुड़वा गोरगांव बुड़वा बर्रेही और बरहदी होते हुए निकलती है, ठीक है, और ये सब माइनर जो नहर है गोरे गांव से गोरगांव से ब्यौहरा 460 होते हुए ब्यौहरा 462 एवं परसा, ये इस तरह से गांव के नाम है, गांव से होके गुजरती है। अब इसमें समस्या ये है कि जहां पर अपन खड़े हुए हैं गोरगांव का ये जो जगह है यहां पर साइफन नहीं है, तो ये वीरेंद्र के घर के पास ये साइफन नहीं है, तो ये नहर का जो पानी है आगे चढ़ नहीं पाता है और ये नहर को तोड़ देता है, ठीक है, और ये जो नहर है गलत तरीके से बनी हुई है, पता नहीं कैसे इंजीनियर्स ने इसको बनाया, पानी ही आगे की तरफ नहीं चढ़ता है, तो इसको तो पहली बात इसको और गहराई मेंटेन करने की आवश्यकता है, नहीं तो जो किसानों की यहाँ पे जमीन फंसी है किसी काम की नहीं होगी, इनकी बर्बाद हो गई, जमीन भी बर्बाद हो गई और नहर भी किसी काम की नहीं है। 4 साल पहले ये नहर बनी है और आज तक इस नहर से इनको पानी नसीब नहीं हो पाया, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग का काम है, तो इनको देखना चाहिए। जिला कलेक्टर श्री डॉक्टर इलैया राजा टी जी के समक्ष बात रखी जाएगी और वो निश्चित तौर पे इस पर एक्शन लेंगे किसानों के हित में।